जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि ऐतिहासिक एवं सत्यापित तथ्यों से छेड़छाड़ करना संज्ञेय अपराध है। जगतगुरु शंकराचार्य ने सोमवार को नर्मदा नदी के सांकल घाट स्थित गुरु गुफा में 3 प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित किया। उन्होंने अनेक धार्मिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नरसिंहपुर जिले के मध्य में नर्मदा के उत्तर तट में सांकल घाट नामक जगह है, जहां आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पादाचार्य की तपोस्थली है। लगभग 45 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने स्वयं इस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के स्वरूप को देखते हुए उन्होंने कहा, गुरु गोविंद नाथ की उस गुफा द्वारा मात्र छोटा सा छिद्र था, उसी सूक्ष्म द्वार से उसमें प्रवेश करते थे। अंदर जाने पर गुफा में फैलाव है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि आने वाले समय में आश्रम की व्यवस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करने में सभी को प्रयास करना चाहिए। और इन लोगों ने सोचा है कि ओंकारेश्वर को शंकराचार्य ने गुफा घोषित किया गया है, ये षड्यंत्र चल रहा है, आप लोगों ने टेलीविजन में भी सुना होगा। तो इसका उद्देश्य ये है कि शंकी मैया का पान बांध के इसको खोल दिया जाए, और ओंकारेश्वर की जिस गुफा की बात कर रहे हैं वो तकरा है, सीमेंट का छत है, वो चूने का छत है, और वो एक घाट में है, घाट बाट में रहते हैं। और विद्वानों का कहना है कि वो जो जगह है वो तो देवी का स्थान है, जहाँ पर मछली का बलिदान होता था और आज भी होता है। स्वामी उसका मालिक था। अर्जुन सिंह के जमाने में षड्यंत्र करके उसको लोगों ने घोषित किया गया, घोषित किया, और पाठ्यपुस्तकों में भी ये लिखा जा रहा है, और लोग इसको संशोधन चाहते हैं। और आपको बताएं कि ओंकारेश्वर अगर होता तो वहाँ सांकल के निर्णय में ये लिखा जाता कि ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी के गुरु रहते थे, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का नाम न लिखा वहाँ लिखा गोविंद नाथ वन में गए। तो गोविंद नाथ वन जो है वो ये ज्योति बोला शंकर नाथ जो गुफा से लिखा हुआ है, आप सब लोगों को बताना था। और हम लोग ये चाहते हैं कि धर्म हमें पौराणिक बात नवाते जाए, यहाँ इसकी स्वच्छता अक्षुण्ण रखी है, आपने देखा होगा।